आ चुकी है और ऊपर आ गया इसको सीमेंट में ना बहुत बड़ा पंखा दिख रहा है ऊपर हम लैंडिंग करने वाले हैं बस 10-15 मिनट में और दिवित के कान शून्य हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है हमारा गोवा में लास्ट डे और अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं एयरपोर्ट के लिए। तो ये भी तैयार हो गए हैं यहाँ पर और एंजल भी तैयार हो गई है और हमारी पैकिंग सारी डन हो चुकी है। थोड़ा बहुत सामान बचा है और सारी पैकिंग हम लोगों ने डन कर ली है और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। ये तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट करके तो हम लोग आ गए हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि सामान वगैरह भी भैया हमारा ले गए हैं और सारी पैकिंग तो पहले ही हो ही चुकी थी, बस निकल ही रहे हैं। और हाउसकीपिंग वाले भैया आ भी गए, जैसे हम लोगों ने रूम साफ खाली किया और आ गए भैया। तो चलिए चलते हैं और फटाफट एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमें कम से कम 2-2.5 घंटे पहले पहुँचना है। और एंजल तो सो भी गई थी थोड़ी देर के लिए, आ चुकी है और सफर ये सांसों का टूटा तो नहीं, हाथों से उसका हाथ छूटा तो नहीं, इतनी भी जल्दी क्या छूट जाए ना कोई, जरा धीरे धीरे से चलना देगा। ये लड़का ना बहुत सतानी करता है। चलो हो गया। एयरपोर्ट में ना बहुत बड़ा पंखा दिख रहा है ऊपर। मम्मी मुझे फर्स्ट क्लास वाले एरोप्लेन में जाना है। फर्स्ट क्लास वाले एरोप्लेन में जाना है दोस्तों, इसे फर्स्ट। तो दोस्तों, हम लोग चेक इन वगैरह करके बैठे हैं वेटिंग एरिया में और हमारा है गेट नंबर ए। और अभी हम लोग 2 बजे की फ्लाइट है, इसीलिए थोड़ा 1.5 घंटा है अभी। और दिवित, क्या कहना चाहोगे, आज कैसा फील कर रहे हो आप दूसरी बार बैठने में? और जिस दिन पहली बार बैठा था जब हम लोग दिल्ली से यहाँ आए थे, उस टाइम इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था बिल्कुल, कि मैं उड़ गया, मैं ये हो गया, क्या क्या बोल रहा था ना। आज नहीं हो एक्साइटेड कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड आज नहीं हो? हाँ, मुझे गोवा ही रहना है। क्यों, गोवा में क्या रखा है? कुछ तो है नहीं, बीच ही बीच है। नहीं, मुझे गोवा में स्विमिंग पूल भी है। हाँ वही तो, दिन भर नहाते रहना बस। तो दोस्तों, हम लोग बैठे ही थे वेटिंग एरिया में और हमारे सामने से हर 5 मिनट में एक प्लेन गुजर रहा था और साथ में हम लोग बैठ गए थे फिर अपनी सीट पे। और सामने टीवी स्क्रीन पे पूरा रूट दिखाया है, कि मतलब पूरा मैप दिखाते हैं कि कहाँ से आप लोग बैठ रहे हो और कहाँ आपको जाना है, पूरा रूट।
और दिवित ना पूरा इंजॉय करते हुए जा रहा था प्लेन में। क्या कर रहे हो? मुझे खाना खाना है। इसे प्लेन में बैठते ही खाना खाना होता है क्योंकि मुझे भूख लगी है, बहुत देर हो गई होता है और म्यूजिक सुनना होता है ना, हेडफोन लगा के, है ना दीवी? अरे हेडफोन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। अच्छा, ये ईयरफोन है जो यहाँ पर लगाते हैं ऐसे करके। अच्छा, हेयर बैंड जैसा जो होता नहीं है ऐसे वाला, वो ही। हाँ। जो टेक्नो गेमर नहीं लगाता है वो ही वाला। अच्छा, तू जरा धीरे धीरे से चलना है जिंदगी, तू जरा धीरे धीरे से चलना है जिंदगी, इतनी दोस्तों यहाँ पर हो गया था खाने का टाइम और हमारा खाना आ चुका था और दिवित को देखिए कितना एंजॉय कर रहा है क्योंकि इसे भूख भी लगी थी, बैठते ही ये मतलब इसका ड्रामा शुरू हो गया था कि मुझे खाना चाहिए। और ये है मतलब ऊपर से नीचे का व्यू। हम लैंडिंग करने वाले हैं बस 10-15 मिनट में और दिवित के कान सुन्न हो चुके हैं, इसलिए दिवित बोल रहा है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? हालत खराब हो गई इसकी। सफर ये सांसों का टूटा तो नहीं, हाथों से उसका हाथ छूटा तो नहीं, इतनी भी जल्दी क्या छूट जाए ना कोई, तू जरा धीरे धीरे से चलना है जिंदगी, तू जरा धीरे धीरे से चलना है जिंदगी, इतनी भी जल्दी क्या छूट जाए ना कोई, तू जरा धीरे धीरे से। सामान हमारा अभी नहीं मिला है, बैग वगैरह वो अभी मिलने वाले हैं हमें। कहाँ मिलेंगे? वन में, बेल्ट नंबर वन। थोड़ी सी गुस्ताखियां कर रही है आज क्यों? हम राजीव भैया का वेट कर रहे हैं अभी एयरपोर्ट के बाहर क्योंकि वो हमें लेने आने वाले हैं। और मम्मी पापा बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा गोवा का और हवाई जहाज में बैठने का? तो हम लोग गोवा की सैर करें, वास्तव में गोवा शहर जो है एक स्वर्ग जैसा शहर है, तो इसके जितनी उसकी बढ़ाई करो उतना कम है। इतना अच्छा आनंद आया कि जीते जी का ही स्वर्ग गोवा देश है, गोवा राज्य है। तो यूँ लग रहा था कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं, तो हम ईश्वर से कामना कर रहे थे कि भैया जैसे हम लोग बैठे हैं वैसे सुरक्षित हम लोग लैंड कर जाए, तो परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से सुरक्षित उतारा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अपना बता कैसा लगा? मजा आया? अच्छा।
अच्छा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? अच्छा था सिर्फ एंजल के लिए, सिर्फ अच्छा था, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था पहला एक्सपीरियंस। मम्मी से पूछते हैं कैसा लगा हवाई जहाज? बहुत अच्छा लगा, हवाई जहाज में बैठ गए और सोचो तो जाए मैं ना चल पाऊँ कर दे, मैं बैठ रहा हूँ और देख लो सब बहुत अच्छा लगा। चलो से हुए अभी अभी तो हम जरा सा सवर से गए, इतनी भी जल्दी क्या बिखर जाए ना कोई, तू जरा धीरे धीरे से चलना का।